जो बीजेएस कॉलोनी है राजपूतों की सबसे बड़ी कॉलोनी है और उसी के अंदर हम हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट राजपूत होने के बाद में यूपी तक बैठे हुए पत्रकार आंकलन लगा रहे हैं कि राजपूतों के वोट टूटेंगे, लेकिन हम यहाँ धरातल के ऊपर देखते हैं और पूछते हैं कि है क्या और क्यों यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे को जो महिलाएं दिख रही है, लगभग इनके जो है गले के अंदर बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है, तो मन तो लगे कि सगड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता ही हो। क्यों? सही बात है, लेकिन बीजेपी के लिए हम इसलिए शामिल हुए हैं कि हमें वहाँ में हमें फायदा दिख रहा है हमें अपने आप के लिए। नहीं तो अशोक जी ठंगा तो विकास भी कराए वो लोपेली पे, तो गए मतलब बहुत कुछ करा, लेकिन देश में केंद्र में जो हमें बीजेपी सरकार के लिए हमें उनका वोट सपोर्ट करना है और हमें लग रहा है कि बीजेपी के आने से मोदी जी के और हाथ मजबूत होंगे उनके। और करण जी उचियारेड़ा भी वो भी कहे कि साहब मैं तो कुमार मर जाऊं लार वो जाऊं लार, अगर कुमार हमारे तो हमारे हम क्या करें, वो खाली पैसे खर्च करने से या वोट खरीदने से कुछ नहीं होगा, काम जो दिखेगा वो हमें अपना भविष्य गजेंद्र सिंह जी के हाथों में दिख रहा है। एक भी आप भी कह रहे हैं कि साहब गजेंद्र सिंह जी तो 12 का आदमी है, मैं जोधपुर को बैठा हूँ। हाँ वो जोधपुर इसका 1921 का वो कह रहे हैं RJ 1921 का, लेकिन ऐसा सुनने से क्या फायदा कि काम जो कर रहा है वो काम तो जोधपुर में ही जन्मे हैं गजेंद्र भाई साहब और यहाँ का बहुत विकास किया है और कर रहे हैं और आधी रात को भी अगर हम जाते हैं तो वो हमें सुनते हैं, भले ही उनसे काम हो या नहीं हो कर नहीं पाए। अब काम किस वजह से नहीं कर पाए वो सबको आप लोगों को भी पता है और हमको भी, हम नाम लेना नहीं चाहते। नहीं तो नाम लो ना, क्यों को नहीं हो काम, आ तो बताओ ना कोई भाई काम किया को नहीं हो मांगो गजेंद्र जी को। जो उनकी टांग खिंचाई की है कांग्रेस सरकार ने, अपने राजस्थान की जो सरकार थी गवर्नमेंट ने, उन्होंने बहुत किए और वसुंधरा राजे से भी हमें लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत खिंचाई की उनकी, मतलब गजेंद्र के फोन कॉल्स वगैरह भी रिकॉर्ड होते थे और ये हमें सब अच्छे से मालूम है। तो देखो वसुंधरा जी गजेंद्र जी का टाइम में कोई काम को नहीं उबा दियो और अशोक जी गहलोत वन परेशान कराया थे सब जानो भाई जेल में गालबा की तैयारी भी करी और आ बात है आम महिला तक ने पतो है और इन वास्ते ही आज सारा का सारा गजेंद्र सिंह जी को ही चाहते हैं भविष्य में। अच्छा CM भी चाहो बेटे तो और नहीं है जिया कह के भाई मैं तो 12 का है जोधपुर का दूं कोई फर्क पड़ेगा कि जन्म स्थान तो यही है ना, सभी बाहर से आए, सब गांवों से तो आके हैं यहाँ पे, सब गांवों से ही तो आयो रहा है आप पैदा तो अटे यही बनने। हाँ मतलब वोटर भी तो ज्यादातर 12 का ही है, 500 किलोमीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूर की थोड़ी ना, 500-600 किलोमीटर 40-40 साल हो गया रहता है अपन। नहीं तो करण जी ने कता कहीं वोट मिल जैसी यहाँ है के थोड़ा घना था आस पास के मायने कोई बांका भी शुभ चिंतक है तो बीजेस के मायने बीजेस के मायने तो हर बार बीजेपी नहीं ज्यादा वोट मिले तो अब की बार पहले कम है ज्यादा की है तो मोदी जी रे जावेला वोट सब बस सब माने जोधपुर पूरो बने जाए तो मोदी जी शोकाई कर दियो था करियो नहीं करियो आदमी तो सही है की बताओ आदमी तो सही है अजी आदमी तो सही है पर था ही की करियो पे भी तो बताओ करियो मानवास से देश के लिए सच्ची वाड़ो कार्य। हाँ 500 साल से राम जी को मंदिर बनियो है नेता पर तो नहीं बनियो आपने, मतलब राम जड़ा मंदिर खुश होते हैं नहीं खुश। हाँ हाँ बताओ किया मतलब अठंगो जो को माहौल का ही है बीजेपी का माहौल है बीजेपी को है बिल्कुल तो बीजेपी को क्यों बीजेपी ने 10 साल के अंदर देश में आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस नहीं कर पाई बीजेपी ने इन 10 सालों में अपने आप को बहुत साबित किया है और एक ही नहीं हर दिशा में हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। नहीं तो बताओ कोई दो चार काम तो गिनाओ ना थे यहाँ मतलब बढ़िया करियो कोई काम भी तो करे लिस्ट भी तो बताओ। बिल्कुल है ना सर सबके सामने है जम्मू कश्मीर से 370 हटाना है, आज आतंकवादी जो पहले सेना के ऊपर इतने घात होते थे सेना को जो फ्री हैंड कर दिया मोदी जी ने, सेना को जो सुरक्षा चक्र दिया है वो मोदी जी ने, पहले पत्थरबाज हुआ करते थे वो सब समाप्त हो गए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, महिलाएं आज यूपी बिहार में देखिए यूपी की दशा देखिए आप, पहले यूपी के अंदर महिलाओं का अकेले जाना कितना मुश्किल था और आज बहुत खुलेआम घूम रही है महिला हैं और शौचालय की सुविधा है, गैस की सुविधा है और राम मंदिर जो हिंदुस्तान की जनता के बड़ो मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर है बिल्कुल कि राम जी जो हिंदुस्तान के भारतवर्ष के होते हुए भारतवर्ष में स्थापित नहीं थे आज राम जी विराज गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो भाई देखो राम जी टेंट का माई नहा और बे आपकी जगह पू गया सब ये बात की खुशी है बहुत। इस बात के अलावा आप घर में बिराजे हुए इतना साल बारे आ तो आपा कितना रह सका बारे आपा रह सका आज नहीं रह सका नहीं तो राम जी कितना साल बारे रिया है तो ज्यादा अच्छा ही करियो ना मन वास्ते तो
केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो बहुत सारी नीतियां कांग्रेस लागू नहीं होने देती है। तो अगर हमें राजस्थान की उन्नति चाहिए तो हमें बीजेपी की सरकार राजस्थान में चाहिए, मतलब डबल इंजन वाली बनार मान, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो राजस्थान में स्पेशली जो जोधपुर का अशोक गहलोत का गढ़ था और अशोक गहलोत ने उसी को ही दरकिनार करते हुए यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाएं देखें, चाहे सड़कें हो, चाहे यातायात हो, चाहे सफाई हो, इनमें से अगर आप देखेंगे तो शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ की सड़कें विधानसभा बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित है। अशोक गहलोत ने बताई छेड़ो तो विधानसभा में क्यों नहीं रहे हो भी ना? क्योंकि एक्चुअली उस वक्त सीएम था वहाँ यहाँ का, और उसने हमारे ऊपर मतलब इतनी ताकत लगा रखी थी कि हमारे जो वो उसने खुद ने शाम को 6 बजे के बाद में उनके जो मोमडन सागर एरिया का आपने अगर देखा हो तो 6 बजे के बाद में वो जो वोटिंग पड़ी थी, बिल्कुल 7 बजे तक, 7:30 बजे तक वहाँ पे वोटिंग चल रही थी। और सागर तो अलग एरिया पड़ जाओ, सॉरी ये बकरा मंडी का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे इस तरह के वोटिंग जो गई थी उसका काफी फायदा, मतलब वो फर्जी वोटों जीते हैं। और अभी आपने सोचती गेट चौराहे पे उन्होंने जो ये मुसलमानों ने अपना अपना बीजेपी पहले जो जालोरी गेट पे ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ते हुए जो जालोरी गेट पे जो दंगा किया था और जालोरी गेट के भीतरी शहर में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया था तो वो भी अशोक गहलोत ने उस पर क्या कार्यवाही की। एक्चुअली उनका खुला सपोर्ट जो है ये अल्पसंख्यकों को मिलता है और ये आम जनता जान रही है। और कोरोना काल में एज का अठे की कुछ महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता भी है, और अशोक गहलोत को जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है बठा की मतदाताओं को कहना है कि विधानसभा के मायने अशोक जी जिसका मुस्लिम वोट है बठीने फर्जीवाड़ो हुए और 100% की पोलिंग हुए भी वजह जीत जाए, अदरवाइज यदि आम यदि अठा का जगह मतदाता है बे कोनी चाहे बन जितानो और अठा को विकास भी मैं थान दिखावांगा। जुड़े रहो मागे साथ, धन्यवाद।